हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी आर्ट कला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि सिर्फ 2 मीटर कपड़े में से किस तरह से हम घेरा वाली कुर्ती बना सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत। तो इसकी कटिंग की वीडियो हमने आगे अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमारे जो दोनों पार्ट से ऊपर वाला पार्ट से उसे हम उल्टा रखेंगे और नीचे वाला पार्ट से उसे सीधा रखेंगे और दोनों भागों को हम मिला लेंगे। इस तरह से हमें दोनों भागों को मिला लेना है। उसके बाद हम जो हमारा नेक है उसमें हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने इस तरह का कपड़ा ले लिया है और हम पट्टी तैयार कर लेंगे। ये हमने पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, नेक जो हमारा नेक वाला भाग है उसे सीधा ही रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। जो हमने सिलाई की है पट्टी में, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। हमने इस तरह से हमें जोड़ लेना है दोनों भागों को एंड में, ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। ये हमने अटैच कर लिए। अब हम क्या करेंगे, उसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से अंदर डाल देंगे और ऊपर हम सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर ना दिखे। इस तरह से हमने अटैच कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स लेनी है हमें। तो हम जो हमारा नीचे वाला भाग है जिसमें हमें प्लेट्स लेनी है, जिस क्लॉथ में, उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और सेंटर में हम निशान कर लेंगे। और प्लेट्स किस तरह से लेनी है हमें, तो इस तरह से हम सारी प्लेट्स ले लेंगे। ये हम दोनों सेंटर को मिला लेंगे दोनों भागों को और वहाँ से हम प्लेट्स लेना शुरू करेंगे। तो हमें प्लेट्स जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम क्रॉस में लेंगे प्लेट्स, सेंटर से इस तरफ और इस तरफ। हमें सारी प्लेट्स इसी तरह से लेनी है आगे और पीछे। तो हम प्लेट्स सेंटर से ही लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने सारी प्लेट्स ले ली है, बीच में से किस तरह से हमने ली है, इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स लेनी है। और हाँ, हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी प्लेट्स एक ही साइज़ की हो, ताकि हमारी प्लेट से वो बहुत अच्छे से दिखती है। इस तरह से हमने सारी प्लेट्स अटैच कर ली है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने में हम स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो स्लीव्स की लंबाई है 8.5 इंचेस और उसकी चौड़ाई है 10 इंचेस। अब हमें क्या करना है कि जो स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम 1 इंच पीछे ले लेंगे इस तरह से, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये जो हम कट कर रहे हैं वो हिस्सा हमें आगे के भाग पार्ट्स में अटैच करना है, और जो हमने कट नहीं किया है और पीछे लिया है उसे हम पीछे के साइड में अटैच करना है। और इस तरह से हमें अटैच करना है।
जो हमारा हम हमेशा स्लीव्स को उल्टा ही अटैच करेंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि उल्टा है या सीधा है, तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। तो हम जो हमारा बीच का सेंटर है, वहाँ से हम दोनों सेंटरों को मिला लेंगे और हम सिलाई करेंगे। हमेशा हम स्टिचिंग सेंटर से ही करनी है। और हाँ, हमें ध्यान रखना है कि स्लीव्स को अटैच करते समय हमें स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नॉर्मली हमें स्लीव्स को लगाना है। तो इस तरह से हमने अटैच किया है, दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमारी ये स्लीव्स अटैच हो गई है और हम दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि अभी आपको पता है कि कुर्ती में साइड पॉकेट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैं अपनी कुर्ती में साइड पॉकेट लगा रही हूँ। तो इस तरह का शेप में मैंने कट कर लिया है क्लॉथ पॉकेट के लिए। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको मैं उल्टा दूंगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो कहीं दिखे नहीं और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। पर मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ। पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसमें इस तरह के कपड़े से हम रफल्स बना लेंगे। फॉल्स को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा पॉकेट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में अटैच कर लेंगे कुर्ती पर। तो इस तरह से हम इसे अटैच कर रहे हैं। ये हमने पूरा अटैच कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव्स को मिला लेंगे इस तरह से स्लीव्स की मोरी को पकड़कर, और हमें नीचे तक सिलाई कर लेनी है। आप अपने हिसाब से फिटिंग रख सकते हैं, आप जितनी भी फिटिंग रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में कॉन्ट्रास्ट कलर लिया था, इसलिए मेरे स्लीव्स है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप भी इस तरह से करते हैं तो आपकी भी जो स्लीव्स की लेंथ है वो बढ़ सकती है, नहीं तो आपको स्लीव्स छोटी ही रखनी पड़ेगी। इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। दोस्तों, इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। आई होप दोस्तों कि आज की कुर्ती की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।